जी मैं बताता चलूं जी, पाकिस्तान की वो आवाज वेलकम करेंगे। माशाल्लाह जी, नात खानी में बहुत बड़ा नाम है और आपने नात खानी के जरिए टिकटॉक पे मिलियंस में आपके फॉलोअर थे। फौजिया खादिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फौजिया आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, दुआएं आप सबकी। अच्छा फौजी, आपके तो माशाल्लाह मिलियंस में फॉलोवर थे और आप तो लास्ट टाइम भी हमने जश्न मनाया था जब आप मुल्तान आए थे, तो आज तो आपके कोई हाल नहीं होगा पूछने वाला कि इतनी मेहनत की आपने दिन रात एक किया टिकटॉक पे नाम बनाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल नहीं है कि हमें इस चीज़ को इतना सीरियस लेना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि हमने जो मेहनत की है वो तो नज़र आ रही है सबको, ठीक है, लेकिन हमें इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए कि मतलब लोग कहें कि अरे भाई टिकटॉक बंद हो, क्योंकि हमारी मेन चीज़ जो हमारे सोशल ऐप्स है वो हमारे यूट्यूब और फेसबुक है, ठीक है। अगर हम टिकटॉक पे हमने इतने व्यूवर्स कमाए हैं या इतने मिलियंस में हमने किए हैं तो जस्ट मेरी नज़रिए से वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, उसमें कोई कमाई का जरिया नहीं है। अच्छा तो नहीं, तो लोग जो कहते जी हमें तो बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी, वो कैसे अर्न कर रहे थे टिकटॉक से? उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनली अपनी अगर बात कहूँ, दुख तो होता है जाहिर है, मतलब मिलियंस में जाना कोई आसान बात नहीं है। लोग उसके लिए वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये आप हमें दे, इसके लिए हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जाहिर है हम मेहनत करके इतना मिलियंस तक जाते हैं, ठीक है। तो दुख होता है, लेकिन उसको इतना भी बंदा सीरियस ना ले कि आप देखें सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे वीडियोस इतनी आ गई हैं कि मतलब सब दुख दुख कर रहे हैं इस चीज का कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मैं समझती हूँ दुख होना चाहिए, लेकिन उसको इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए कि बंदा जो है ना एवरीडे आप यही कहता रहे कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि हमारी मेन चीज हमारे यूट्यूब और फेसबुक है और यूट्यूब से ही हम कर सकते हैं। सही बात है, आप दिल की बड़ी हैं, कोई वो दूसरे लड़कियां कमजोर दिल की होंगी, आप तो माशाल्लाह बड़े दिल की हैं। क्योंकि असल में बात ये है, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ दिल की, बहुत छोटी हूँ, मतलब छोटी सी बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, रोना शुरू कर देती हूँ। लेकिन जब इंसान अपने आप को प्रिपेयर करता है ना कि इस चीज के लिए, वो पहले से ही रेडी रहेगी। क्योंकि जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था तो मुझे सुनने में आया था कि ये बंद हो जाएगा, तो मैंने अपना माइंड बना लिया था कि अगर मेरे मिलियंस में या बिलियंस में भी चले जाते तो मैंने अपना माइंड ये बनाना है कि मुझे दुख नहीं करना है, तकलीफ नहीं करनी, मतलब कि क्या हो गया मेरे साथ। तो हर चीज आगे जाती है। अच्छा ये बताएं, आपके कुछ टिकटॉक मेरे पास सेव हैं, परेशान नहीं होना। अच्छा ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताएं फौजिया के इसके यानी कि आपको कहती हैं आप परेशान नहीं है उसके बंद होने से, उसके बाद यूट्यूब का नाम आ रहा है पाकिस्तान में, हुकूमत कह रही थी हम उसके ऊपर सख्ती करेंगे, यूट्यूब के ऊपर सख्ती करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगी फिर? बस फिर सबसे पहले तो अगर मैं टिकटॉक की बात करूं तो मैं पर्सनली अपनी बात करूंगी तो मैं इतनी परेशान नहीं हूं, लेकिन जो मेरे फैंस हैं मिलियंस में वो बहुत परेशान हैं। उनकी मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम आपको कैसे देख पाएंगे। मैंने कहा मेरे पास सोशल ऐप है, आप यूट्यूब पर आए, फेसबुक पे आए, आई बात यूट्यूब बंद करने की तो ये बात तो फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर चला रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। अच्छा वैसे मैंने ये भी देखा है फौजिया, क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की नात खानों में आपका शुमार है, तो आपका नाम भी ट्रेंडिंग है यूट्यूब के ऊपर, आपका जो नाम है आपका वो नाम भी ट्रेंडिंग है यूट्यूब के ऊपर, तो आपके नाम से काफी लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, बेशुमार फौजिया खादिम के नाम से चैनल है जी, तो आपका अपना चैनल कौन सा है वो भी बता दीजिए। मेरा पर्सनल जो यूट्यूब अकाउंट था पहले फौजिया खादिम के नाम से था, 35,000 सब्सक्राइबर थे, वो बस किसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसके बाद फिर मैंने दोबारा यूट्यूब अकाउंट बनाया, वो भी तकरीबन 2-4 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 व्यूज आने लग गए, मतलब एकदम से इतने व्यूज नहीं आते जितने मेरे आने लगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, मेरे पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख जो है फॉलोवर्स है मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे वो बनाया तो 3-4 महीनों के अंदर ही मेरे मतलब व्यूवरशिप ज्यादा बढ़ने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका अकाउंट का नाम है fauzia.pk। अच्छा फौजी ये बताएं कि आप यानी कि सेटिस्फाई हैं, परेशान नहीं है कि टिकटॉक बंद होगी, टेंशन नहीं है आपको? नहीं, पर्सनली मैं परेशान इस हवाले से नहीं हूँ, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर है कितने लोग, अच्छा इसकी मैं आपको प्लस पॉइंट बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्टिंग में आना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका शौक था कि हम मीडिया मतलब इलेक्ट्रिक मीडिया पर काम करें, टीवी चैनल पर काम करें,
उनको मौके नहीं मिलते थे, तो उनको सबसे बड़ा मौका टिकटॉक पर मिला और टिकटॉक से ही वो चैनल पर गए। तो सबसे मेन चीज खुशी की बात तो ये थी कि जो गरीब लोग जो टीवी चैनल पे आ नहीं सकते थे, जो टैलेंट अपना दिखा नहीं सकते थे, उन्होंने टैलेंट अपना टिकटॉक से दिखाया और टिकटॉक से ही वो जो है चैनल्स पर गए। तो उनके लिए तो ये बैड न्यूज होगी, क्योंकि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से चैनल पे काम करते आ रहे हैं, तमाम चैनल्स पे काम किया है जी, हमारा कोई मसला नहीं। लेकिन उन लोगों का मसला है, क्योंकि वो लोग तो अभी स्टार्ट हुए थे और अभी उन्होंने मतलब अपना एक नाम बनाना शुरू किया था, तो टिकटॉक बंद हो गया उनके लिए। ये तो है ना, टिकटॉक ने स्टार तो, हाँ टिकटॉक ने स्टार तो बहुत से बनाए हैं, जो टिकटॉक स्टार थे वो आज वाईटी के स्टार बने पड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि आप तो माशाल्लाह इतने दिल रखती हैं, बड़ा दिल रखती हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपका जो कलाम है या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, तो उसकी दो लाइनें भी हमें सुनाती जाएं। जी बिल्कुल जरूर। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुवत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो कुवत मुझे बख्शी है खुदावन, फिर मस्जिद नबवी की अजानें भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अजानें भी सुना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लगन के साथ काम करती रहेंगी और घबराना नहीं। आपने ये मैसेज दे दिया कि घबराना नहीं, चाहे कोई भी सोशल साइट बंद हो जाए घबराना नहीं। असल में पता है बात क्या है, असल में बात यह है कि जब हम बहुत ज्यादा एक चीज को दिल पे ले लेते हैं ना, हैवी कर लेते हैं, तो फिर हम दूसरे काम नहीं कर पाते। जब इंसान बहुत सारी तकलीफों से गुजर के आता है ना, तो फिर ये छोटे मामला कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो जो इंसान बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरा हो ना, तो उसके आगे ये चीज कुछ भी नहीं है। तो हर चीज को हमने अपने माइंड में रखना है, दिल में नहीं रखना। बेशक बेशक। तो आपका आप जैसे कह रही है कि मेरे हम पहले भी चैनल्स पे काम कर चुके हैं। जी जी। तो क्या नाम है आपके अकाउंट का, अपना चैनल का नाम क्या है? fauzia.pk YouTube अकाउंट। जी तो अपनी कम्युनिटी के ऊपर इनको शट आउट दे देंगे जी, हमारी तरफ से इनको मिल जाएगा जी, तो इंशाल्लाह हमारे भी जो फैंस और फॉलोअर्स हैं वो इनके साथ वो ज्वाइन कर लेंगे। फौजी मैं बताता चलूं, हमारे साथ हैं हबीब और रहमान वीर, ये जर्मनी से हैं और ये माशाल्लाह यूट्यूबर हैं। ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर में, व्यूज में और उनके वॉच टाइम में। आप यूट्यूब के ऊपर आए तो हम आपकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और आपके साथ भरपूर तावन करेंगे, जिस तरह का आपको चाहिए होगा इंशाल्लाह। जी जी, बस हमें व्यूज चाहिए ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। आपका जो मैंने आज ही अपनी कम्युनिटी के ऊपर हबीब रहमान वीर मेरे चैनल का नाम है, तो अपनी कम्युनिटी के ऊपर मैं आपको शट आउट दे दूंगा, और आने वाली वीडियो में जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा उसमें भी आपको शट आउट दूंगा और आपका डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक भी दे दूंगा। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया फौजिया टाइम देने का। जिस मिशन को लेकर मैं जिस मिशन को लेकर यहाँ पे यूट्यूब पे आया हूँ, ये जो मेरे बहन भाई यहाँ पे आए हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस नेक मकसद में हमें कामयाबी दे, और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी दे। हमें आमीन आमीन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया।